सिटीज़ किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि 5 रुपए से भी कम में आप घर पे किस तरीके से क्लीनर बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए बनाने के लिए मैंने लिया है ये विनेगर, वाइट विनेगर। ये मैंने लिया है शैम्पू। आप इसकी जगह कोई भी लिक्विड डिशवॉश वगैरह या शैम्पू जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। ये मैंने पानी लिया है। तो सबसे पहले मैं इस पानी को इस मेजरिंग कप से नाप लूँगी। तो देखिए, मैंने ये आधा कप पानी लिया है। पानी लेंगे उतना ही हम विनेगर ऐड करेंगे। तो देखिए, इस पानी को मैं अभी, ये मैंने खाली कोलिन की बोतल ली है पुरानी जो यूज हो चुकी है। अगर हम इस तरह का कोई क्लीनर लाते हैं तो वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और जिससे सफाई भी अच्छी हो जाती है लेकिन काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए हम घर पे क्यों ना बना सकते हैं। अगर ऐसी बोतल आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। तो देखिए, मैंने आधा कप पानी लिया है, इसको मैं इसमें बोतल में डाल देती हूँ। और जितना मैंने पानी लिया है उतना ही मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी। जितने क्वांटिटी चाहे आप आधा कप लें, एक कप लें, जितना आपको बनाना हो उतना आप इसमें पानी ऐड करें और उतनी ही क्वांटिटी में आप विनेगर ऐड करें। देखिए, उतना ही मैंने विनेगर ले लिया है, मैं ये ऐड कर देती हूँ। इसमें मैं लगभग ये एक छोटा चम्मच मैंने शैम्पू लिया है, सनसिल्क शैम्पू है। आप जो भी शैम्पू यूज करें घर में वो डाल सकती है या फिर कोई भी लिक्विड डिशवॉश डाल सकती है। देखिए, तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस पर मैं कैप लगा देती हूँ। देखिए, हमारा होममेड, इसको थोड़ा सा शेक करेंगे, होममेड क्लीनर बन के तैयार है। इस क्लीनर से आप पंखा, फ्रीज, टीवी जो भी आप चाहें साफ कर सकती हैं। देखिए, आपकी कितनी कम कीमत में आपका क्लीनर बनके तैयार है। आप चाहें तो इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको अब दूसरा बताती हूँ। दूसरे तरीके के लिए मैंने लिया है ये एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा जो हम खाने में यूज करते हैं। देखिए, मैंने छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, इसको एक बाउल में डाल दिया है। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ विनेगर। विनेगर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे क्योंकि इसमें डालते ही बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लिक्विड नहीं लगा सकते, तो ये थोड़ा थिक बनाएंगे इस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें जहाँ पे टाइल वगैरह के जॉइंट्स हो, जो भी साफ़ करना हो, वहाँ पे ये हम लगा देंगे और फिर कोई टूथ ब्रश या ऐसी चीज़ से उसको साफ़ कर लेंगे। काफ़ी इजीली साफ़ हो जाएगा और हमारा ये दूसरे तरीके का क्लीनर भी बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।